नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के अंतर्गत दो अलग अलग स्कूल, एक नर्सरी स्कूल और एक जामिया मिडिल स्कूल की तरफ से दो अलग अलग पीडीएफ में वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है फॉर टीचिंग पोजिशन। तो कौन कौन से पोस्ट में वैकेंसी रिलीज किया गया है, कितना दिन तक आप अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, ये सारे सब कुछ जो है डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए इसी तरह की गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब्स के बारे में जानने के लिए, एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। एंड मेरे चैनल पे जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां पे भी जाके आप लोग डेली चेक कर सकते हैं, वहां पे भी मैं अदर जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करते रहती हूँ। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, मुसीर फातमा नर्सरी स्कूल की तरफ से ये नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है 12 जून को, यानी कि 12 जून को रिलीज किया गया है। एंड यहाँ पे जो पोस्ट है वो नर्सरी टीचर का पोस्ट है, 9 वैकेंसीज है टोटल। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, उसके साथ साथ आपने डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स किया है इन नर्सरी एजुकेशन और ट्रेनिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड उसके साथ साथ आपके पास उर्दू में रीड एंड राइट करने का एबिलिटी होना चाहिए, ठीक है, यानी कि उर्दू लिखना एंड पढ़ना आना चाहिए। एंड मंथली सैलरी यहाँ पे देखिए 18,700 रुपीज पर मंथ आपको मिलने वाला है। जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्मेट यहाँ पे अटैच कर दिया गया है इसी नोटिफिकेशन के साथ, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। देन आप फिल करके प्रिंट आउट निकाल के आपके पास जितने भी सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है सभी में सेल्फ अटेस्टेड करके आपको यहाँ पे दिए गए एड्रेस पर, स्कूल के एड्रेस पर सेंड कर देना है। ठीक है, तो जो लास्ट डेट दिए गए हैं उसी लास्ट डेट के अंदर आपको सेंड करना है, आप बाय पोस्ट या फिर बाय हैंड, अगर आप नियर बाई लोकेशन पे रहते हैं तो फिर बाय हैंड भी आप सबमिट कर सकते हैं, स्कूल के ऑफिस में जमा करा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप बाय पोस्ट सबमिट करना चाहते हैं तो फिर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिए, बिकॉज पोस्टल डिले वगैरह हो सकता है। ठीक है, अगर आप मेल में एप्लीकेशन सेंड करेंगे तो वो एप्लीकेशन बिल्कुल भी कंसिडरेबल नहीं है। उसके बाद एक बार एप्लीकेशन फॉर्मेट जो है उसको एक बार देख लेते हैं, 2 पेजेस का है यहाँ पे। पहले तो अपना जो रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है उसको आप पेस्ट कीजिए, यानी कि आप गाम से यहाँ पे पेस्ट करना, डू नॉट स्टेपल, स्टेपल नहीं करना है, स्टेपल से एप्लीकेशन फॉर्म खराब हो जाता है, उसके वजह से भी जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद कौन से पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम आप दे दीजिए, देन कैंडिडेट्स का नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, टेलीफोन और मोबाइल नंबर। कॉन्टेक्ट नंबर देते वक्त आपको जो है बहुत ही ध्यान से देना है, एक भी नंबर मिस्टेक हो गया तो फिर आपके साथ पूरा का पूरा कम्युनिकेशन जो है वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, कैटेगरी आपको देना है कौन से कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, देन प्रोफेशनल कोई क्वालिफिकेशन है यानी कि आपने कोई डिप्लोमा कोर्स किया है, सर्टिफिकेट कोर्स किया है, कहाँ से किया है, कितना दिन से कितना दिन तक किया था, कौन से सब्जेक्ट में किया है, ये सारे डिटेल्स देने के बाद बस नीचे डिक्लेरेशन साइन करके डेट डेट लिख के आपको बस सेंड कर देना है। एंड क्या क्या इंक्लोजर आप यहाँ पे दे रहे हैं, यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप इसके साथ अटैच कर रहे हैं, उसका लिस्ट भी आपको यहाँ पे 1, 2, 3, 4 करके दे देना है नंबरिंग करके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 12 तारीख को ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, 12 जून, विद इन 10 डेज यानी कि 22 जून तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू का जो डेट है वो आपको जो है एसएमएस के द्वारा सूचित कर दिया जाएगा, बट अगर आप रेगुलरली चेक करेंगे वेबसाइट तो वेबसाइट से भी आपको पता चल जाएगा कि इंटरव्यू का डेट क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन करने के लिए कोई फीस नहीं है, विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दूसरा पीडीएफ पर चलते हैं, दूसरा पीडीएफ जो है ये आया है जामिया मिडिल स्कूल की तरफ से, जामिया मिलिया इस्लामिया के अंतर्गत। तो यहाँ पे देखिए गेस्ट पीएसटी यानी कि प्राइमरी स्कूल टीचर के वैकेंसीज रिलीज किया गया है, टोटल 4 वैकेंसीज है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड आपने डिप्लोमा किया है इन एलिमेंटरी टीचर्स एजुकेशन में, सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई किया है एंड उसके साथ साथ टीचिंग प्रोफिशियंसी आपके पास है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई बेझिझक कर सकते हैं। डिजर्वेबल में कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज एंड उर्दू में रीड राइट करने का एबिलिटी रखा गया है। अगर आपके पास डिजर्वेबल क्वालिफिकेशन नहीं है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन पूरा का पूरा मैच कर रहा है तो यहाँ पे आप बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए लास्ट डेट जो है वो 25 जून को रखा गया है, दोपहर 2:30 बजे तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसीजर प्रीवियस पीडीएफ के तरह ही यहाँ पे रखा गया है, यानी कि एक एप्लीकेशन फॉर्मेट इसके साथ अटैच कर दिया गया है, उसको आपको डाउनलोड करके फिल करके देन आप प्रिंट आउट निकाल के सेंड कर दीजिए अलॉन्ग विद ऑल योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके। ठीक है,
इंटरव्यू का जो डेट एंड टाइम है, वेन्यू कहाँ पे होगा, ये सारे सब कुछ जो है आपको एसएमएस के द्वारा जो है सूचित कर दिया जाएगा। अदरवाइज अगर आप रेगुलर वेबसाइट चेक करेंगे तो वहां से भी आपको पता चल जाएगा। सैलरी यहाँ पे देखिए, पर पीरियड के बेसिस पे आपको पे किया जाएगा, तो अच्छा खासा सैलरी मिल जाता है। जामिया मिलिया इस्लामिया में जो है बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलता है, तो इसका टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। बट अगर आप मेल के द्वारा एप्लीकेशन डालेंगे तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है वन पेज का ही है, बहुत छोटा सा एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आप डाउनलोड करके फिल कर लीजिए एंड देन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एप्लीकेशन को सेंड कर दीजिए। अगर आप बाय पोस्ट सेंड करना चाहते हैं, अगर आप बाय हैंड करेंगे तो उसमें इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कभी भी जाके सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो नोटिफिकेशन आया है, बहुत ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, तो जरूर आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए। पहले तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट में आपको करियर सेक्शन में जाना है। जैसे ही आप टैब ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे के सारे लिंक मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये वाला टैब ओपन हो जाएगा, यहाँ पे नीचे आके आपको क्लिक हेयर पर डिटेल्स करेंगे तो एक एक करके आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। ये वीडियो अगर आपको नीडफुल या फिर हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी क्वेरीज या फिर डाउट्स के बारे में बताएं। आई एम हियर टू क्लियर ऑल योर डाउट्स, एंड उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत है। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन साइनिंग ऑफ।